दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जो हमने निवेदन में नहीं दिया लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो आस्था पे है, फैक्ट्स पे नहीं, फेथ पर दिया गया डिसीजन है, फैक्ट्स पे नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि डिसीजन आने के बाद लोग चुप नहीं बैठे हैं, लोगों ने मथुरा का इशू उठाया है, ज्ञानवापी का उठाया है। इस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट को अब दूसरी मस्जिद के बारे में कोई इंटरटेन करना ही नहीं चाहिए, कोर्ट ने रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसलिए कि 15 अगस्त 1947 का जो लॉ है इबादतगाह के बारे में या किसी भी मजहबी मकाम के बारे में, उसमें साफ ये है कि इस दिन जो इबादतगाह जैसी थी वैसी ही रहेगी। इस लॉ को यूज़ करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मथुरा ने वो एप्लीकेशन रद्द कर देनी चाहिए। कहने के लिए और बातें हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए और जो प्रॉमिसेस किए गए हैं उसे पूरा करना चाहिए। ओके सर, आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है, जिस तरीके से उसको हिंदुत्ववादी संगठनों ने शहीद कर दिया गया था, हम उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने फ्लोर पर ये कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी जगह पर तामीर कर देंगे। हम उसी वादे को याद दिलाने के लिए हुकूमत के जो फ्लोर पे किया गया था उसी वादे को याद दिलाने के लिए हमने आज एक निवेदन दिया है और हमने सरकार से राष्ट्रपति को ये डिमांड की है कि बाबरी मस्जिद उसी जगह पर दोबारा तामीर की जाए। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से हमने ये डिमांड की।